नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत हैं समाचार। लसेल प्रबंधन तथा मजदूर प्रतिनिधियों के साथ एसडीओ ने की बैठक। श्री बंशीधर नगर से खबर है। उपायुक्त गढ़वा के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में लेबर सुपरिटेंडेंट एतवारी महतो, सेल जीएम भवनाथपुर मनोज कुमार, खान प्रबंधक बी पाणी गृह, इंटक जिलाध्यक्ष सुशील चौबे, इंटक प्रदेश सचिव बवन पासवान के साथ मजदूरों के फाइनल सेटलमेंट में हुई त्रुटियों को लेकर बैठक की गई। बैठक में एसडीओ आलोक कुमार ने दोनों पक्षों की बातों को सुना। बैठक में सेल प्रबंधन ने एसडीओ की बातों का जवाब नहीं दे सके, जबकि मजदूरों की तरफ से प्रतिनिधि प्रदेश सचिव बवन पासवान तथा जिलाध्यक्ष सुशील चौबे ने अपनी बातों को प्रमुखता से रखा। बैठक के बाद इंटक के जिलाध्यक्ष सुशील चौबे ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार ने दोनों पक्षों की बातों को गंभीरता से सुना। कई मामलों में सेल प्रबंधन जवाब नहीं दे सके और एसडीओ द्वारा एक सप्ताह का समय मजदूरों को दिया गया है और जो जरूरी कागजात हैं उन्हें प्रस्तुत किया जा सके। एसडीओ आलोक कुमार ने बैठक के संबंध में बताया कि अभी कोई निर्णय नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की बातों को सुना गया है, इस संबंध में रिपोर्ट उपायुक्त महोदय को सौंपी जाएगी। उन्होंने बताया कि दूसरी बात यह है कि यूनियन द्वारा इस मामले को कोर्ट में रखा गया है, अंतिम फैसला तो कोर्ट का ही होगा। मौके पर लेबर सुपरिटेंडेंट एतवारी महतो, सेल जीएम भवनाथपुर मनोज कुमार, खान प्रबंधक बी पाणीग्रही, इंटक जिलाध्यक्ष सुशील चौबे, इंटक प्रदेश सचिव बवन पासवान, इंटक प्रखंड अध्यक्ष भवनाथपुर शंभूराम, जय कुमार पासवान, कौशल्या देवी, श्रवण बैठा सहित बड़ी संख्या में अन्य लोग उपस्थित रहे। सेल के लोगों से एसडीओ साहब और हम लोगों के बीच वार्ता हुई। वार्ता उपायुक्त गढ़वा के निर्देश के आलोक में। मेरा डिमांड था कि जो दूषित अमर खदान बंद हुआ उसमें रिट्रेंचमेंट की प्रक्रिया जो अपनाई गई है वह काफ़ी त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण इस माने में है कि उस खदान में जो मजदूर कार्यरत हैं, बहुत से मजदूर 1990-91 से ही कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को रिट्रेंचमेंट बेनिफिट का लाभ नहीं है। तुलसीधामर खदान में भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य मजदूरों से लिया जाता था। पत्थर तोड़ने का काम, गाड़ी ड्राइवर जो थे डोलोमाइट ढोने का काम करते थे, वैगन लोडर का काम करते थे लोग, डंफर लोडर का काम करते थे, हाईवा ऑपरेटर, डंफर ऑपरेटर, कंप्रेसर ऑपरेटर, ड्रिलिंग ऑपरेटर, ये तमाम तरह के जो पद थे, मुंशी लोग थे, सुपरवाइजर लोग थे, ब्लास्टर लोग थे, तो उन सब लोगों को रिट्रेंचमेंट बेनिफिट में शामिल नहीं किया गया। साथ साथ वैसे मजदूर को भी उसमें शामिल नहीं किया गया जो लगातार 1990 से काम करते आ रहे हैं, उन्हें भी एक पैसा नहीं दिया गया। और जिन मजदूरों को दिया भी गया वो अधूरा और पूरा नहीं किया गया, अधूरा उन लोगों को दिया गया है। उसी के आलोक में हम लोगों ने एक त्राहिमाम पत्र उपायुक्त गढ़वा महोदय को दिया था, जिसके आलोक में उपायुक्त गढ़वा ने उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी श्री बंशीधर नगर और लेबर सुपरिटेंडेंट गढ़वा को एक लिखित निर्देश दिया था कि विस्तृत जाँच प्रतिवेदन संबंधित मजदूरों के बारे में दिया जाए कि कब से कब मजदूर काम कर रहे हैं। उसी के आलोक में आज यह बैठक हुई। बैठक बहुत सकारात्मक रहा। एसडीओ साहब ने हम लोगों से भी बहुत सा सवाल जवाब किया, प्रबंधन के लोगों से भी सवाल जवाब किया, लेकिन प्रबंधन हर एक सवाल का जवाब नहीं दे सकी और जवाब देने में निरुत्तर हुई। और इसलिए एसडीओ साहब ने जो एक सप्ताह का और समय दिया कि जो भी आप लोगों के पास कुछ कागजात हैं तो और ला करके हम लोगों को दीजिए, ताकि हम सही ढंग से उसका जांच प्रतिवेदन उपायुक्त गढ़वा महोदय को कर दे सकें। निर्णय तो अभी ऐसा कुछ नहीं निकला है। हम और लेबर सुपरिटेंडेंट साहब दोनों लोगों की बात सुनी कि लेबर के कुछ कंसर्न थे, जैसे कुछ लोगों का फुल एंड फाइनल जो सेटलमेंट हुआ है वो सही नहीं हुआ है, और लेबर का भी कुछ लोगों का डिमांड था कि कुछ लोगों का नाम भी फॉर्म में नहीं है, जिसके कारण उनको प्रॉपरली जो सेटलमेंट होना चाहिए नहीं हुआ। तो हम लोगों ने दोनों पार्टी से बुला के डॉक्यूमेंट चेक देखा है, तो उसके बेसिस पर हम लोग एक डिटेल रिपोर्ट बना के उपायुक्त महोदय को सौंपेंगे, उसके बाद उपायुक्त महोदय उस बेसिस पर डिसीजन लेंगे। दूसरा है कि लेबर यूनियन ने ऑलरेडी RLC कोर्ट पटना में केस फाइल किया है, तो मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है, तो जो भी होगा निर्णय कोर्ट के द्वारा लेंगे। Millennium Public School, admission open, admission open, admission open, science, commerce, arts, session 2022 and 2023, pre-nursery to 11, yes, pre-nursery to 11, admission open, affiliated to CBSE 10+2, free preparation for IIT, GNET, note, free admission for girls students, experienced and trained teachers, well-designed infrastructure, library, computer lab and science lab.
स्मार्ट क्लासरूम, एमिनेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अंडर सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी, हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल, ग्रीन लश कैंपस एंड वेल प्लान्ड प्लेग्राउंड, इंश्योर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड। एमपीएस गिव्स एन एस्थेटिक एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल। एड्रेस: मिलेनियम पब्लिक स्कूल, पुरैनी एंड बिशुमपुर, नगर उंटारी, डिस्ट्रिक्ट गढ़वा। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर्स। थैंक यू।